नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जिले में धार्मिक स्थलों के समीप संचालित शराब दुकानें हटाने की उठाई मांग। सागर जिले में धार्मिक स्थलों व देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं के समीप संचालित देशी अंग्रेजी शराब दुकानें तथा अवैध रूप से संचालित हो रहे अहातों को हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए सर्व समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। नगर दंडाधिकारी श्री सीएल वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि सागर जिले के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे तथा सार्वजनिक स्थल, स्कूल, अस्पताल आदि के साथ ही देश के महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं के समीप देशी अंग्रेजी शराब की दुकानों में संचालित हैं। परिणाम स्वरूप उक्त स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं व अनुयायियों के साथ साथ आमजनों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त शराब की दुकानों पर एकत्रित होने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा अप्रिय घटनाएं भी घटित की जा रही हैं। साथ ही जिले में संचालित अवैध अहातों के संचालन के साथ ही सार्वजनिक स्थलों, पार्क, खेल मैदान आदि स्थानों पर शराबियों का जमावड़ा बेरोक टोक जारी है, जिसका खामियाजा भी आमजनों को भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी शराब दुकानों के संचालन को लेकर समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनका भी पालन सागर जिले में नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई जिले में धार्मिक स्थलों व देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं तथा सार्वजनिक स्थल, स्कूल, अस्पताल आदि के समीप संचालित देशी अंग्रेजी शराब दुकानों की हटाने की कार्यवाही जनहित में करते हुए शराब दुकानों के संचालन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए। कार्यक्रम का संचालन अशरफ खान ने किया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। सब लोग, हम लोग हिंदू मुसलमान सभी लोग, हमारा शहर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आज तक इस प्रकार की हमारा घटना नहीं हुई, परंतु कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाएं इस शहर में फैलाना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर आप सख्ती करें प्रशासन। दूसरी चीज, आपके शराब एक्ट अधिनियम के तहत ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो मंदिर के बाजू में कलाजी नहीं होगी। कोई राष्ट्रीय नेता की या समाज सेवी की मूर्ति है उसके बाजू में आपकी कलाजी नहीं होगी, मस्जिद के बाजू में कलाजी नहीं होगी और गुरुद्वारा के बाजू में कलाजी। मानो आपसे क्या है था? जहाँ ये घटना हुई है सामने शंकर जी का मंदिर है और वहीं पर अंग्रेजी की दुकान है, कहाँ है नियम कानून? तो मेरा निवेदन है इस पर शासन विशेष रूप से ध्यान दे, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये जन आंदोलन बने। ये निवेदन अरे, आज मुस्लिम समाज के तत्वाधान में सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति में आज का ये ज्ञापन है। माननीय कलेक्टर महोदय जो कि सागर जिले के प्रमुख हैं, घबराहट भी करो, बंद करो, बताओ। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य जो सागर जिले में धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और जो देश के महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, इनके आसपास जितनी भी शराब की दुकानें खुली हैं, सारी शराब की दुकानों को और जिले में जितने भी अवैध शराब के जो आहाते चल रहे हैं, इनको हटाने की मांग को लेकर आज का ये ज्ञापन है।
तो सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी शराब दुकानें संचालन को लेकर नियम के निर्देश जारी किए गए, उनका भी सागर जिले में पालन नहीं हो रहा है। चूंकि आप जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं, तो इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी एक मांग है। दूसरी मांग है कि परसों जो एक घटना हुई है, चाकुओं से रोककर एक मुस्लिम समाज के युवा को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रशासन ने मुस्तैदी करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, 302 का मामला दर्ज किया है। चूंकि वो मुस्लिम समाज से होने के साथ साथ एक गरीब मजदूर परिवार का बच्चा था और अपने परिवार में दो बहनों के साथ अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इस कारण वो गैरेज में काम करता था। तो हमारा मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन और है, तो उसमें अनुरोध है जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाए कि मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता को उस परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये भी हमारा ज्ञापन है, निवेदन है कि ये प्रस्ताव आप कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेज है। वो राष्ट्रकवि थे और राष्ट्रकवि होने के नाते गरीब परिस्थिति के थे, इसलिए उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। उन्हें सारे लोगों का निवेदन है कि दोनों प्रस्तावों पर, ज्ञापनों पर न्याय कार्रवाई हो जाए और शराब की जो अवैध दुकानें चल रही हैं पार्कों में, जो भी टूटे खंडर पड़े हैं सारी जगह अवैध आहाते बना लिए हैं लोगों ने, तो उन पे भी थोड़ा मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दे। आपके निर्देश, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कार्रवाई हो जाए तो सर्व समाज के हित में रहेगा। ये बाइट लेनी है, बाइट हो गई, वही तो बाइट।